अरमान ने बताया सना को अनडिजर्विंग, कृतिका ने तोड़ी किस पर चुप्पी, पायल ने बताया हम सच्चे बाकी सब फेक, कृतिका मलिक ने क्यों किया किस। नमस्कार, मेरा नाम है सचिन राठौर और आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया पर हमारा खास शो जो आपको एंटरटेनमेंट की खबरों से गुदगुदाने के लिए हमेशा तैयार रहता है। आज हम बात करेंगे बिग बॉस OTT 3 की। बिग बॉस OTT 3 में आया मलिक परिवार शो के दौरान और शो के बाद भी काफ़ी सुर्खियों में बना हुआ है। अरमान, पायल और कृतिका मलिक शो से बाहर आने के बाद व्लॉग के जरिए सबके साथ इंटरेक्ट करते हैं। कुछ दिनों पहले ही वीडियो वायरल हुआ था जिसमें कृतिका शो से बाहर जा रही थी तब रणवीर शौरी ने उन्हें किस कर लिया। इस पर अब अरमान मलिक का रिएक्शन सामने आया है। अरमान से किसी यूज़र ने पूछा कि जब रणवीर ने कृतिका को किस किया तब आपने कुछ रिएक्ट क्यों नहीं किया। इस पर अरमान ने कहा कि पहले बात आपकी सोच और नज़र दोनों ही गलत है। वो इंसान 51 साल का है और हमें बच्चों की तरह ट्रीट करता है। मुझे और कृतिका को भी वो बच्चों की तरह ही मानते हैं। जब कृतिका बाहर हुई तब वो इंसान उठकर आया और गले लग रहा था। आपने देखा होगा कि बॉलीवुड स्टार्स जब मिलते हैं तो गले मिलते हैं, साइड हक करते हैं। किस हुआ या नहीं ऐसा मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे हिसाब से जो मैंने देखा उसमें किस नहीं हुआ था। वो स्क्रिप्टेड तो नहीं था, तो दोबारा ऐसा करना गलत होगा। पायल इस पर कहती हैं कि ऐसा किस का सोचना बहुत गलत है, हर किसी की सोच एक जैसी नहीं होती। उनकी सोच ऐसी नहीं है कि उन्हें ये लगा कि हक करो या किस करो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो बच्चों की तरह अरमान को ट्रीट करते हैं। जब मैं निकली थी तब उन्होंने मुझे भी हक किया था, और एक औरत को टच से पता चल जाता है कि कौन उसे कैसे टच कर रहा है। सना को लेकर अरमान ने कहा कि सना ने कैसा खेला वो आपको बिल्कुल पता है। देखो, सना जो ड्रेस पहनती थी वो बिग बॉस में सारे कपड़ों का शूट करके आई थी बकायदा। मुझे लगता है कि वो ये पहले से ही प्लान करके आई थी और उन्हें पता था कि वो कितने दिन रहने वाली हैं। पायल भी कहती हैं कि फिनाले तक के सारे आउटफिट्स की ड्रेस का वो फोटोशूट करके आई थी, तो उनको पता था कि वो कब तक शो में रहने वाली हैं। अरमान कहते हैं कि मेरे हिसाब से सना डिजर्विंग नहीं है। हमें इतना पैसा मिला कि टिकट खरीद सकें आने जाने के, रहने के लिए कमरा ले सकें, बस। कोई करोड़ों नहीं मिलते वहाँ। शो में ऐसा करना गलत होगा। शो हम पर एहसान करता है, हम शो पर एहसान नहीं करते। वहाँ जाने के लिए लोगों की लंबी लंबी लाइनें लगी हैं। ऐसे ही अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।